नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इट सुमित कुमार में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गाड़ी की लेफ़्ट साइड कैसे जज करें। जो पैसेंजर सीट वाली साइड होती है वही गाड़ी की लेफ़्ट साइड होती है, और जो ड्राइवर है वो हमेशा राइट साइड में बैठता है। अब राइट साइड से लेफ़्ट साइड में स्पेशली ये वाला कॉर्नर जज करने में कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ पर जा रही है, नए ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। शुरू शुरू में तो दिमाग इतना उलझ जाता है कि भाई कैसे वो करें। तो ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉमन चीज़ें जैसे स्टेयरिंग कैसे संभालना है, गियर कैसे चेंज करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, पीछे कैसे बढ़ाना है, इस बारे में हमने पूरा एक विस्तृत पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। सारे टॉपिक कवर किए गए हैं अलग अलग वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाके देखें, क्योंकि जब तक आप नॉर्मली गाड़ी को बिना किसी दिक्कत के आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, पीछे नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या साइड लेफ़्ट साइड को जज कैसे कर पाएंगे, तो वो चीज़ सीखना ज़रूरी है। खैर, इस वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस चीज़ को करने के लिए, कि आपको अपनी गाड़ी को देखना है, सिर्फ देखना है। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी गाड़ी को देख सकते हैं देखें, कहीं भी अपनी एक फैमिलियर सी जगह पे खड़ी कर दें, जहाँ पर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या जिस रोड पर आप रोज़ आते जाते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ये रोड डेली का आना जाना है लगभग हम लोगों का, और एक गांव का सिंगल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाली सड़क है, और यहाँ पर मैंने गाड़ी को खड़ी कर दी है। अब गाड़ी को जब मैंने साइड से लगा के खड़ी करी है, तो आपको पहले तो अपनी गाड़ी की डायमेंशंस देखनी है। डायमेंशंस देखने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी की डायमेंशंस जो आपकी बुक में, सर्विस बुक में, या इसके साथ जो मैनुअल बुक आती है उसमें से देख के आप रट लें। उन्हें ना भी रटें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल देखना है, समझना है। आपके दिमाग में यदि कोई बाइक है, कुछ और चीज़ है, उससे कंपेयर करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपकी गाड़ी की डायमेंशंस क्या है। गाड़ी के चारों तरफ घूम के देखें, यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ी मैंने एकदम किनारे पे खड़ी कर दी, उसके बावजूद इस रोड पर इतनी जगह है कि यहाँ से एक कार आराम से निकल सकती है। और दूसरी चीज़, जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है भाई गाड़ी पूरी रोड को कवर करके चल रही है, तो ये एक मिथ है और इसको आप अपने दिमाग से पहले निकालें। ठीक है, तो थोड़ा सा डर तो उस चीज़ से निकल जाएगा। और अगली चीज़, आप देखें कि आपकी गाड़ी की लंबाई कितनी है। कदमों में नाप ले ज़्यादा है तो एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, पाँच कदम, ठीक है, इतनी लंबाई है। और एक्स्ट्रा एक दो कदम ज़्यादा लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और स्टार्टिंग में आप जो ये चीज़ सीख रहे हैं, कभी भी कंजस्टेड एरिया में ना सीखें, थोड़ी खुली खुली सी जगह में सीखें, तो आप ज़्यादा इजीली सीख पाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो कार है बहुत आसानी से निकल गई वहाँ से, और मेरी गाड़ी भी मेरे को हटानी नहीं पड़ी, मैंने रोड पर ही बिल्कुल रोड के ऊपर खड़ी करी हुई है। तो इस ये तो आपका बेसिकली अंदर बाहर बाहर का जजमेंट हो गया। जब आप अपनी गाड़ी का अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन कर लें, समझ लें कि मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है, कैसी है, क्या है, थोड़ा चलाते चलाते जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, तब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। और फिर आपको जजमेंट करने के लिए थोड़ी सी एडवांस टिप देता हूँ, आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। जब अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, तब आपको देखना है। तो हर किसी की गाड़ी में, इंडिया में तो खैर नॉर्मल है कि कोई भी एक सिंबल या कुछ मूर्ति या कुछ कॉइन वगैरह लोग बाग गाड़ी में रखते हैं, ना रखें तो नॉर्मली टेप वगैरह चिपका लें या कुछ भी वाइपर के आप कुछ भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट वाली जो टेक्निक है ये भी स्टार्टिंग में सीखने के लिए सही है, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखी होगी। मैं उससे हटके भी इसमें एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो ये है सो है ये वाली टेक्निक, आपको ये रेफरेंस पॉइंट मान लेना है सिंपल, और यहाँ से आपकी जो रोड की सीधाई है वो सीधी है, और आप साइड मिरर में देखेंगे तो आपकी गाड़ी रोड पर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते रखते आपको चलना है, लेकिन ये हमेशा आप कर नहीं सकते, और ये वाली टेक्निक इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई गाड़ी जब चला रहे हैं तो मतलब दिमाग में आता है कि नॉर्मली चलाऊँ मैं बिना किसी हिचक के, ये क्या देख रहा हूँ मैं, इसको रेफरेंस मानो, उसको देखो। तो बिल्कुल एक प्रो टिप ये है आपके लिए कि जब भी आप गाड़ी को चलाएं तो थोड़ा सा आप सबसे पहले जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी को अपने से अलग ना माने, अपने आप को
मतलब गाड़ी अपने अंगों का विस्तार माने गाड़ी को, और जैसे गाड़ी के पहिए जहाँ पर चल रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा अपनी बॉडी में फील करने की कोशिश करें। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पर ये वाली जो किनारा दिख रहा है, इस पर अगर गाड़ी का लेफ्ट टायर जाएगा तो आपको आराम से पता चलेगा कि मेरी गाड़ी का लेफ्ट टायर वहाँ है। नीचे अगर जाएगा तो उसमें आवाज़ आएगी अलग से, गाड़ी थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, उसमें आवाज़ आएगी कि वहाँ से थोड़ा धड़ धड़ खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है। या नॉर्मल डामर वाले रोड में चलेगी तो वहाँ पर थोड़ी स्मूथली चलेगी। तो इस चीज़ का आप थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना शुरू करें। जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको जो गाड़ी का लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा है, लेफ़्ट साइड छोड़िए आप किसी भी जगह का अंदाज़ा है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, कई बार ऐसा होता है कि राइट साइड से भी गाड़ी ठुक जाती है, जबकि राइट साइड में तो ड्राइवर बैठा रहता है। अब राइट साइड के लिए क्या करें? तो जैसे इन महारानी ने सीखते सीखते शुरुआत में नॉर्मली लेफ़्ट साइड से ठोकते हैं लोग बाग, लेकिन इन्होंने पूरा राइट साइड में डेंट किया था। तो होता है कई बार ऐसा, नॉर्मल है। तो केवल ये एक ध्यान में, मतलब कि केवल एक सवाल उठाना कि हमें लेफ़्ट साइड का जजमेंट सीखना है, तो ये गलत है। आपको अपनी पूरी गाड़ी का, भले आप राइट में बैठे हों लेकिन फिर भी आपको राइट साइड का उतना प्रॉपर जजमेंट नहीं रहता है। तो आपको पूरी गाड़ी जब चलती हो तब आपको फील करना है, और आपको देखना है कि टायर नीचे है या ऊपर है। और साथ ही साथ जब आपको कोई दिक्कत आए, लगे कि कोई कन्फ्यूज़न है मन में, तब आपके जो ORVMs हैं ये इसी काम के लिए हैं। तब आप थोड़ा सा पीछे की जो गाड़ी है उसकी डायरेक्शन देख लें, उसमें प्रॉपरली दिख जाएगी कि गाड़ी कहाँ पर है अभी, और उस हिसाब से आपकी गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी है, सीधी है, और उस हिसाब से आप आसपास की जगह देख के, इतना जो व्यू आता है गाड़ी में उतना सफिशियंट है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका आगे का टायर कहाँ होगा। आप रेफरेंस पॉइंट वाला जो टेक्निक है कि आप किसी भी एक चीज़ को रेफरेंस मान लें और उससे रोड की सिधाई या आपकी सफ़ेद पट्टी जो भी है उसमें मान के चलें और आपकी गाड़ी रोड के ऊपर रहेगी, वो स्टार्टिंग में सीखने के लिए सही है। लेकिन लॉन्ग रन में आप जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, आप गाड़ी के टायर्स को फील करें और थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है, और आपको उस चीज़ के लिए ORVMs में ध्यान देना पड़ेगा। और ORVMs में ध्यान देने के बाद आपको गाड़ी को पूरा फील करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कितनी चौड़ी है, कहाँ से निकल जाएगी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएगी, और बिना प्रैक्टिस करे तो कुछ होता नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई अगर गाड़ी सीख रहा है तो वो प्रैक्टिस करने से पीछे हटेगा, क्योंकि भाई गाड़ी चलाने के लिए सीख रहे हैं ना। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ कि गाड़ी अलग अलग जगह पे अलग कैसा कैसा रिस्पॉन्स देती है। तो ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और अब मैं गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट गियर सेकंड गियर लगा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इस वक्त गाड़ी मेरी आ गई है मेन रोड पर, तो अभी ये स्मूथली चल रही है। जब मैं इसे किनारे पे ले जाऊंगा तो ये अलग ही गाड़ी एक साइड से झुक गई, दच के खाने लगी, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा लेफ्ट टायर कहाँ है। और साथ ही साथ मैं वहाँ पर देख भी रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पता चलेगा कि मेरा लेफ्ट टायर अभी कहाँ है। और जैसे ही मैं डामर पे आ जाता हूँ तो फिर पता चल गया गाड़ी स्मूथली चलने लगी। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में फील कर करके ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ा सा अपनी विचारधारा को अलग करें, और फिर आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट को नहीं मानना, कुछ नहीं मानना, धीरे धीरे आप जो लेफ़्ट साइड का अंदाज़ा लगाना है वो आप सीख जाएंगे। देख सकते हैं अभी इस वक्त मैंने कैमरा बाहर की तरफ लगा दिया है, माइक मेरे पास है और मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ हूँ। मुझे अब अपने लेफ़्ट टायर का पता नहीं चल रहा, मतलब मैं उसको आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपको बता सकता हूँ फील करके कि अभी गाड़ी कहाँ पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, ये जो डिवाइडर है इससे थोड़ा सा सट के चल रही है, और अभी ये बीच रोड पर आ गई। जब गाड़ी नीचे उतरेगी तो अपने आप पता चल जाएगा, ये मैंने गाड़ी नीचे उतारी, ये देखिए ये गाड़ी नीचे उतारी, और अब मैं गाड़ी को वापस से ऊपर ले आया,
और यहाँ पर ये स्मूथली चलने लगी। तो ये जो ट्रिक है, हालांकि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ पाएंगे, नॉर्मली जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप गाड़ी चलाएं और इस चीज़ को फील करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं। तो बस ड्राइवर्स का एक यही सीक्रेट रहता है कि लेफ्ट साइड को कैसे जज करते हैं, वो गाड़ी के टायर्स को फील करते हैं, गाड़ी के बिहेवियर को देखते हैं और उससे इजीली, बहुत इजीली, मतलब इतना ज़्यादा इजी है लेफ्ट साइड को जज करना कि क्या ही बताऊं। सो गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि किस तरीके से गाड़ी की लेफ्ट साइड को जज करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।